हमारे नेता प्रतिपक्ष कह रहे बहुत से विधायक मेरे संपर्क में। अरे बुढ़िया उससे क्यों संपर्क करेंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत के सोशल मीडिया पर चल रहे नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ अमर्यादित बयान के वीडियो को लेकर अब कांग्रेसी गुस्सा जाहिर करने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देहरादून में प्रीतम सिंह के नेतृत्व में बंशीधर भगत का पुतला दहन किया और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इतना ही नहीं, कांग्रेसी नेताओं ने पुलिस मुख्यालय पहुंचकर डीजीपी को ज्ञापन दिया और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का अनुरोध किया। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि इस तरह की अमर्यादित भाषा किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जिस तरह के बयानबाजी बंशीधर भगत कर रहे हैं लगता है रावण उनके सर चढ़कर बोल रहा है। प्रदेश अध्यक्ष द्वारा जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष के परिप्रेक्ष्य में अभद्र टिप्पणी की गई, अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है, कांग्रेस उसकी कड़े शब्दों में निंदा करती है, भर्त्सना करती है। प्रदेश अध्यक्ष के बयान से भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा भी सामने आ गया है और साथ ही साथ मातृशक्ति के परिप्रेक्ष्य में उनके विचार क्या हैं ये भी मैं समझता हूँ आम जन के बीच में आ चुके हैं। बंशीधर भगत जी वैसे कहने के लिए तो रामलीला में पाठ करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता कि पाठ करते करते उनके मन और मस्तिष्क में रावण घर कर गया है, इसलिए उन्होंने ये बात कही है। इंदिरा हृदयेश जी नेता प्रतिपक्ष भी हैं। इधर नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश के खिलाफ बीजेपी अध्यक्ष के बयान पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं में तो नाराजगी है ही, दूसरे दलों के नेता भी इस बात पर बीजेपी की निंदा कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष राजीव बैग का कहना है कि एक तरफ तो बीजेपी मातृशक्ति के सम्मान की बात करती है, लेकिन उनके प्रदेश अध्यक्ष खुले मंच पर एक महिला का अपशब्द कहकर अपमान कर रहे हैं, ऐसे में उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यही दुर्भाग्य है इस प्रदेश का, ये प्रदेश बना था महिलाओं के बलिदान पे, महिलाओं की वजह से, और आज वो पार्टी जो यहाँ स्थापित है, जो पार्टी यहाँ आज राज कर रही है, वही पार्टी, हम सिर्फ महिला के बारे में बात करेंगे, उस महिला के लिए किसी भी महिला के इस तरह के अपशब्द कहना ये निंदनीय है, और निंदनीय नहीं है बल्कि इस बात का अच्छी तरीके से उन लोगों को कहना चाहिए, होना चाहिए कि महिलाओं के सम्मान में कहे गए शब्दों के लिए सजा मुकर्रर हो। ये नहीं कि वो राजनेता हैं या राज कर रहे हैं बैठ के तो उन्हें किसी तरह की भी छूट है। मैं कहती हूँ कि जो जिन लोगों ने ये किया है और इतने बड़े नेता भाजपा के और वो इस तरह की हरकत करते हैं, ये मैं इसको कंडम करती हूँ, और किसी भी महिला का सम्मान सम्मान है, महिला महिला है, आप उसको इस तरह नहीं कह सकते। और राजनीतिक पार्टियों का ये एक दोहरा चरित्र है, महिलाओं को ये तो कहते हैं कि भाई महिलाओं की वजह से उत्तराखंड बना है, लेकिन महिलाओं की इस तरह से शर्याम बेइज्जती करते हैं। वहीं यूकेडी के नेता भी इस बात पर बेहद नाराज हो रहे हैं, बंशीधर भगत के इस बयान पर यही कह रहे हैं कि ऐसे किसी महिला का अपमान देवभूमि में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को खुद खुले मंच पर माफी मांगनी चाहिए। अभी हाल ही में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष श्रीमान बंशीधर भगत, जो कि अपने प्रदेश दौरों के तहत भीमताल गए हुए थे और वहां पर उन्होंने अपने एक बयान में कांग्रेस वरिष्ठ नेता डॉक्टर इंदिरा हृदयेश के विषय में कुछ अपमानजनक शब्द कहे, और जिन शब्दों को दोहराना मैं उचित भी नहीं समझती हूँ। भाजपा ने अपने निम्नतम स्वरूप को दर्शाया गया है तथा उन्होंने अपनी मर्यादा को भी साथ में पार किया है। किसी भी महिला के लिए सार्वजनिक प्रकार से इस प्रकार से कहे हुए शब्दों की मैं घोर निंदा करती हूँ। ये जो देश है और ये हमारा राज्य, इसमें महिलाओं के योगदान को कभी नकारा नहीं जा सकता, और बात सिर्फ नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश की नहीं, बात हर उस महिला की है जिसके विषय में इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा, इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और भाजपा के इतने वरिष्ठ नेता इस प्रकार के अगर शब्दों का इस्तेमाल करते हैं
तो इस विषय में बताइए, ये एक बहुत ही शोचनीय विषय है कि राजनीति का स्तर किस हद तक गिर गया है और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को अपने इस अपमानजनक बयान के लिए बड़े मंच पर माफी मांगनी पड़ेगी और मैं इसकी घोर निंदा करती हूँ। इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश से ट्विटर पर माफी मांगी है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि मैं बहन जी पर इस टिप्पणी के लिए उनसे माफी मांगता हूँ और जल्द देहरादून पहुंचकर स्वयं फिर उनसे माफी मांग लूंगा। उत्तराखंड में कब और किस बात पर सियासी उबाल आ जाए ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत के बयान पर तमाम राजनीतिक दल विरोध में उतर आए हैं, उसके बाद बीजेपी किस तरह का स्टैंड लेती है ये देखने वाली बात होगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए देहरादून से कुलदीप रावत की रिपोर्ट।